इस्तांबुल समी मुझे लेकर जा रहा है गेट तक, क्योंकि सिवास ऐसा शहर है जहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कुत्ते आपकी कद से भी लंबे होते हैं। चाचा नूरी एयरपोर्ट एक अफसाना है जो हकीकत में भी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सिवास में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सिवास नूरी देमिरदा एयरपोर्ट। तो नूरी लिखा था, मैंने कहा चाचा नूरी होगा। ईद मुबारक। आज मैं सुबह पहुंच गया था इस्तांबुल कुस्तुंतुनिया। ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर सका, लेकिन आई विल डू इट टुमारो। आज सारा दिन लाइक शाम को हसन हसन हाउ आर यू मिर्ज़ा एंड के साथ गुजारी। एंड पे ट्रांसपोर्ट खत्म होगी 12 बजे एंड हमें मारथी लेनी पड़ी। मारथी इज़ अ स्कूटर इन इस्तांबुल। उसे पर मिनट आई थिंक 1.50 लीरा या 2 लीरा कॉस्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, आपके काम को आसान कर देते हैं। वो मैंने ड्राइव की, हसन मेरे पीछे था। आई विश कि मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड की होती, काश मैंने रिकॉर्ड की होती। लेकिन हाँ, जो मैंने आंखों से देखा है वो कि आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितना फन होगा और कितना मजाहिया होगा। ठीक है, आगे सोया, अब दोबारा सोने जा रहा हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आया सोफिया जाना है ईद की नमाज पढ़ने एंड आई डोंट नो कि कैसे जाना है। मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी नमाज चुक गई है। कुछ नहीं होता, अल्लाह कबूल करेगा मुझे। इस्तांबुल की ट्रैफिक की वजह से नमाज तो मेरी चुक गई, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की और आखिरी सजदे में मैं पहुंच गया। वहाँ की वाइब मैंने मिस नहीं की। इतना वेट भी करा रहे हो, उधर से ताने भी मार रहे हो, ये काम है ना? आपकी उर्दू जितनी हमारी उर्दू नहीं है। सन ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और नीचे देख गिरेगा अभी। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई राम राज, मुफ्ता हो और पाकिस्तानी ना पहुँचे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ईद की नमाज़ के बाद भाई एक फाउंडेशन है, अनस भाई ने कहा कि भाई वो लोग नाश्ता कराना चाह रहे हैं, लेकिन नाश्ते में 2-3 चिप्स थी, वो अलग बात है। अनस भाई, या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्र और दर्द अपने दिलों में हमें पैदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। मिर्ज़ा ने तो अपनी सुरों से सबके दिलों को टाक टाक कर दिया। कुछ बंदों वाला इज्जत रहे। हक के शहीदों, अली सेठी भी है बीच में। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हाय हाय, सब नहीं निकला तेरे अंदर से, अब सब नहीं निकला। देखो जमाल आशीष दे लो। और नई एक चीज सुनने को मिली, दुनिया की सबसे लंबी दास्तान। उन लोगों ने यह भी बताया कि भाई
इसको सुनने से पहले आपको वजू भी करना चाहिए। और वह दास्तान क्या थी सुनिए। Aslan tuğlan şekerli, kamasa kolba kirbegen, kapılan sultan erkelli, koluna karma para azar, karmayı düştü ne manas. Uğramasın imip, budandın nozun burde, dürbüsün salıp turu dele. Instagram pe mene reels vagayra post kar di hain, aur pictures bhi post kar di hain. Iska mene next part banana hai, jahan par hum Princess Island aur बेबेक जो के इस्तांबुल का बहुत ही लग्जरी यू नो जगह है उसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, जागते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। एक मिनट बाजी को मुंह आगे करने। नाइस।